दो चीजें दिखाई पड़ती रहेंगी, सिर्फ दो चीजें, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो चीजें। तब तक अपने पति से बहुत हित करती है। जरा ध्यान से सुने, शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तब तक बहुत मानती है। फिर वही स्त्री, अरे नारी प्रेम चाहेंगे माता बहने, ये ना सोचे कि प्रवेश बुराई करने लगे। मैं एक घर की बात नहीं कह रहा हूं, घर घर की कहानी है, घर घर में भावाई है। देखा होगा आप लोगों ने, हमारे यहां भाई लोग बैठे हैं, देखा होगा आप लोगों ने, बाहर से कम घूम के यहां रुपया दो रुपया तुम पैदा करके लाओ, और जैसी तुम घर में घुसो तो अम्मा मौगाए देखती है, बउआ जेबगाए देखती है, और जोने बा जेब ने को चकी उचकी मालम पत्रा तोने बड़ी सेवा, बिना मांगे पानी तैयार, बिना मांगे रोटी तैयार, और रोटी खवाती जाए, और धीरे धीरे पे मन की गाती जाए, काहे तुम इतने दिन बाद आए, तवे मालम हम पे कुंडल कवके नो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा अंतर है। अब हम दूसरे ने की बात का कहे, हम अपनी बीती बताए। अब ये कथा जब लॉकडाउन बंद रही तो हम 10-10 रुपया के लिए दुखी हो गए, क्योंकि कथा चलती नहीं थी। अब कथा में जाओ तो जेब में रुपया बनो रात है, और घरे जैसे ही पहुंचो तो रुपया है ही। अब बेर बेर घरे जब पर ऐसे कर 10 रुपया दे दो तमाकू लिया, अबे कहां कथा चलती थी तुम्हें 10 रुपया दे दे, कोई पता है लॉकडाउन कब के लगो रहे, तो दुखी हम रहे। हमने कही कोई बात ना, हमें 10 रुपया मत दे, लॉकडाउन कमाऊ तो हटी है, तब देखेंगे। तो एक ने घर घर की भावई है, घर घर में बीमारी है। एक बात कहे, पलक मती हुई जा तो प्रेम छुटी जा तो नारी को भाई, जब तक शरीर में ताकत है तब तक बड़ी सेवा है, बड़ी सेवा है। पलक मती हुई जा तो प्रेम छुटी जा तो नारी को भाई, मेरे बोले बाद में को धौंस और दिखाओ करती हैं, धौंस एक ही धौंस है केवल, बस कौन सी चाहते ना से घर में आई, चाहते ना से पिया है अपने पति के पीछे हजारों मुसीबतें उठा लिया करती थी। एक दिन पत्र और पत्नी में झगड़ा हो गया, लड़ाई हो ही जाते, हमाई हो ही जाते कभी कभी। लड़ाई जब भाई तब पति जो है गुस्सा में रहे तो अपने स्त्री से बोलो कैसी मौत चलाती हैं? हैं? सावित्री को देखो, यमराज से करी लड़ाई और पति व्रता की तेजस है, अपने पति को ना छोड़ाई, तुम जिंदगी में कुछ करके तो देखो। पति बोलो तुम जिंदगी में कुछ करके तो देखो। तो पत्नी काय के तबते बहु गुस्सा में आती, पत्नी बोली यमराज की छोटी यह बात
हम बाके वापस लिए छुनाई, पहले तुम मर के तो देखो। तो बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क। क्योंकि कि नारी जो करे सो करे छोड़े, पंचमती पर उपदेश देते हुए अनुसैया ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी महाराज जी सीता को। अनुसैया ने कहा था, बेटी सीता बड़ी अच्छी बात है जो पति की सेवा में तुम 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए चली आई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारी एक बात सुनो बेटी सीता। अनुसैया ने कहा था बनता है धर्म। विश्राम किया उत्तानपात में, सुबेरा जब हुआ है तो खेतों से निकल करके महलों की ओर चल दिए। महलों के पास में जब पहुंचे तो क्या देखा है कि महल के किवाड़े खुले हैं और छोटी रानी बीच दहरी पर खड़ी है। जो ये दशा उत्तानपात ने देखी तो खड़े की खड़ी रह गए। छोटी रानी ने सवाल किया, क्यों कारे पूरी रात है हमसे पूछ रही हो? हाँ तुमसे पूछ रहे हैं, कारे पूरी रात है? बोले ही नहीं। छोटी रानी बोली, महाराज हमने तुमसे सवाल किया है पूरी रात कहाँ रहे? बोले ही नहीं। छोटी रानी बोली, नहीं बताओ, हमें मालूम है, हमें मालूम है तुम कहाँ रहे पूरी रात, कहाँ रहे? सुनो तुम्हारा स्वाति घर रहे जान मिल लाए नहीं तमकाई बात न की करियो या तेरे जब कसमा मारी खाई हमने तुमसे मना किया था कि मां तुम जाना नहीं, तुम क्यों गए? क्यों गए नहीं बताओगे? लेकिन हमें मालूम है ना, हमें मालूम है। छोटी रानी जब दौड़ी
जा। भक्ति जनो उत्तान बात सोचने लगेगा ना, इससे दब गई है तो ये सर पर सवार हो जाएगी, इससे दबना नहीं चाहिए। उत्तान पात बोले हैं, जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तब उसी की बात, उसके बाद के अलावा तेरी जुबान पर एक ही बात नहीं आती। अगर हम पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो ले मेरी तलवार, मारते उसे। छोटी रानी बोली, महाराज इसका मतलब ये है, क्या तुम वहां गए नहीं हो? जाना भी नहीं, तुम्हें बताई देती हूँ। बड़े आनंद से उत्तान पात और छोटी रानी महलों में रहने लगे हैं। बड़ी रानी खेतों पर मेहनत मजदूरी कर रही है, छोटी रानी बड़े आनंद से महलों में रह रही है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, देव ऋषि नारद की कई ही बात सामने नजर आने लगी है। और जब बात सामने नजर आने लगी है, दोनों स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, लेकिन भगवत श्रोताओं अंतर बहुत हुआ। देखो एक ही पति की पत्नियां हैं दोनों, लेकिन फर्क बहुत हुआ। कैसा फर्क? बड़ी रानी जिस समय गर्भ धारण करती है तो उतना ही काम करना पड़ता है खेतों पर जितना पहले करती थी, और छोटी रानी जिस समय गर्भ धारण करती है तो हजारों दासियां सेवा करने में लगी। कोई यहां दबा रही है, कोई पैर दबा रही है, कोई सर दबा रही है, काउ जगह नहीं मिल रही है तो दासी दासी को दबा रही है, हजारों दासियां। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में दोनों स्त्रियों से एक एक बालक का जन्म हुआ। और जब बच्चों का जन्म हुआ तो दोनों बच्चों में भी बहुत बड़ा अंतर है। एक ही पिता की संतान लेकिन फर्क बहुत हुए, एक ही पति की पत्नियां अंतर बहुत हुए।